हरि नाम, देख कितना नंदम प्रेमानंदम, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का जो इलाका है, पहाड़गंज का जो इलाका है, वहां पे आपको खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती है और क्या रेट होते हैं। तो इस गली में ये देखिए, ये सबसे कोने पे ये दुकान है और यहां पे 30 रुपये के 2 पीस गरम गरम गुलाब जामुन यहां पे आपको मिलते हैं, साथ में आपको रबड़ी भी मिल जाता है। और इस गली में जब आप आगे जाएंगे तो काफ़ी दुकानें हैं, चाय वाला आपको आसपास तो कहीं ना कहीं आपको दिखते ही रहेगा। और यहाँ पे नॉन वेज, वेज, गरम दूध, रबड़ी, मलाई, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर आप दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास उतरते हैं तो इस गली में एक बार जरूर जाएं। यहाँ पे देखिए, भेज थाली मात्र 80 रुपये में आपको मिल जाता है, मसाला डोसा 30 रुपये, बहुत सारे आपको जो प्राइसेस हैं बहुत सही रेट में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और लेफ्ट राइट दोनों साइडों में आपको खाने पीने की दुकानें भर भर के मिलेगी। ये जो है ये गली में वाली दुकान है, उसके बाद मैं आपको आगे ये भी दुकान दिखाऊंगा जो कि आपको रोड के साइड में होता है। यहाँ पे देखिए एक ढाबा है, पंजाबी दार ढाबा, और इस ढाबे में काफ़ी अच्छा फूड यहाँ पे मिल रहा था। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा वेज और नॉन वेज दोनों में। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट और राइट में आपको नॉन वेज की दुकानें मिल जाएगी, और ये भी गली के अंदर है। आपको मेन रोड से जस्ट बगल में ये गली मिलेगी, उस गली में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिश, मछली, चिकन और बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ फिश मिल जाएंगे आपको। चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी और सारी चीज़ें आपको इस गली में आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पे देखिए बिरयानी का यहाँ टब रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 100 रुपये, 120 रुपये पर केजी, हाफ केजी, और इस तरीके से यहाँ केजी के हिसाब से देते हैं, आपको वजन करके देंगे, और आप यहाँ से बिरयानी का भी आनंद ले सकते हैं। आसपास के अगल बगल में यहाँ पे देखिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भी यहाँ पे मिल रहा है, और शाकाहारी लोग भी यहाँ पे आते ही हैं क्योंकि नॉन वेज तो सारे खाएंगे नहीं। खास्ता कचौरी ये जो था 30 रुपये का मिल रहा था, और ये काफ़ी टेस्टी था, मैं इसे ट्राई भी किया था। उसके बाद यहाँ पे राधे श्याम छोले भटूरे वाले काफ़ी फेमस है, यहाँ पे तो मान लो भीड़ लगी ही रहती है, कभी भी आ जाओ यहाँ पे आपको भीड़ लगी ही रहेगी। पूरी सब्जी यहाँ पे 20 रुपये, 3 पूरी सब्जी देखिए यहाँ पे 20 रुपये में मिल रहे थे। और मतलब खाने का जो प्राइस है दोस्तों, अगर आप नई दिल्ली आते हो तो पहाड़गंज इलाका में आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग यहाँ पे दुकानें हैं और ज़्यादातर आपको जो प्राइसेस हैं सही मिलेगी, कोई ज़्यादा हाई प्राइस का यहाँ नहीं है। ये लस्सी जो था ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये मैं ट्राई भी किया था, काफ़ी टेस्टी था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलवे स्टेशन के जो जस्ट बाहर वाली दुकानें हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये देखिए, वेज, नॉन वेज, वेज, नॉन वेज, ज़्यादातर आपको जो दुकानें दिखेंगी उसमें वेज और नॉन वेज कम्बाइन होगा। कोई कोई दुकानें हैं जहाँ पे स्पेशल है, जैसे कि सिर्फ वनली फॉर शाकाहारी, और ये आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, सारी दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ वेज नॉन वेज। ये देखिए चिकन यहाँ पे टंगा हुआ है, और ये देखने में तो काफ़ी अच्छा कलरफुल भी लग रहा है। और आगे हम चले तो यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मुझे दिखा, और यहाँ पे मैं स्टे किया था तो यहाँ से मैंने वेज और नॉन वेज दोनों का मज़ा लिया हूँ। और ये देखिए मसाला डोसा ये अंकल बना रहे थे, इसका तो मसाला डोसा के आप कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है, इसमें एकदम निखर के आया ये कलर। और मसाला डोसा का भी आप आनंद ले सकते हैं, अगर आप साउथ से हैं तो साउथ इंडियन फूड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर चूंकि होता क्या है कि नई दिल्ली में हर जगह से लोग आते हैं, चाहे वो साउथ से आएँ, नॉर्थ से आएँ, बंगाल से आएँ, जहाँ से भी आएँ, तो यहाँ पर हर तरीके का फूड आपको मिल जाता है। मछली तो यहाँ पर आपको हर दुकान, नॉन वेज वाली दुकान पर मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे रेहू मछली था, मैं इनसे पूछा कि कौन सी मछली है, तो बोले रेहू मछली को मैं ये फ्राई कर रहा हूँ। और जब बात जूस वाली दुकान की हो तो मैं इसे कैसे भूल सकता था, यहाँ पे जूस वाले दुकान थे, जो कि एक यहाँ पे जापान के लोग भी आए हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे, और ये भाई से मैंने यहाँ पे बात किया तो ये बताया कि मैं जापान से हूँ। और ये टॉमी यहाँ पे देखिए आराम से बैठा हुआ था, अब इस कुकर में क्या बन रहा है ये तो कुकर वाले ही जाने। और यहाँ से देखिए लोग, यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मैं आपका रास्ता दिखा रहा हूँ, यहाँ से मेन गेट है, और यहाँ से लोग काफ़ी तादाद में देखिए अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब सबको भूख तो लगी ही होगी और सब यहाँ पे खाना खाएंगे ही, क्योंकि यही जो इलाका है खाने के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर भर भर के दुकानें हैं खाने पीने की, और यहाँ पर देखिए राधे श्याम का फिर से मैं आपको छोले भटूरे यहाँ दिखा रहा हूँ, एक प्लेट में भाई सब खा रहे थे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ले लिया। और ये देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो आपने कभी ना कभी ट्रेवल किया ही होगा, नहीं किया है तो आप ट्रेवल करने का ज़रूर मन में बनाया होगा। ये देखिए अब इसके आगे मैं ले चलता हूँ, ये बिरयानी सेंटर था, और यहाँ पे अलग अलग चिकन बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी और कौन कौन से बिरयानी रखे हुए थे। उसके बाद हम पहुँचे ये छोले भटूरे वाले भैया के पास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे।
यहाँ पर काफ़ी कस्टमर थे इनके पास, तो इन्होंने पहले तो अपना कस्टमर को छोले भटूरे बांटने में लगे रहे। उसके बाद इनके बगल में ही जो थे वो छोले देने का स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने मुझे एक गाना भी सुनाया जो आपको आगे वीडियो में भी देखने को मिलने वाला है। और छोले भटूरे अगर आप आए हैं तो दिल्ली में एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ का छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी भी होता है। अगर दोस्तों आपको छोले भटूरे पसंद है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और यहाँ पर देखिए हरा मिर्च जो कि फ्राई किया हुआ होता है वो साथ में दिया जाता है। अब आगे इनसे सुनिए। हे प्रभु, हे हरिनाम, हे कृष्णानंदम प्रेमानंदम, ये क्या हो रहा है?